नमस्कार। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची अर्थात JCERT ने वर्ष 2024 में होने वाले वर्ग 12 के मॉडल प्रश्नों को जारी कर दिया है। प्रत्येक विषय में जो समय दिए जा रहे हैं वो है 3 घंटे और पूर्णांक होगा 80। सभी प्रश्न अनिवार्य है। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। इसमें प्रश्न 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात MCQ प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन यानी विकल्प का चयन करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे अर्थात वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे और इनमें से सिर्फ 6 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक दिया गया है। प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे और इसमें भी सिर्फ 6 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे अर्थात लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे और इसमें किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का जो मान होगा वो 5 अंक निर्धारित है। आइए एक बार फिर से मैं यहां बता देता हूं जो ब्रेकअप है अंकों का। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये होंगे 30 और ये 30 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा और इसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है यानी MCQ प्रश्नों के लिए जो कुल अंक होंगे वो होंगे 30। इसके बाद आता है वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर और इसमें जो प्रश्न होंगे वो 8 प्रश्न होंगे लेकिन आपको जो आंसर देना होगा वो सिर्फ 6 प्रश्नों का देना होगा अर्थात ये 8 प्रश्न होंगे उसमें से कोई 6 प्रश्न आप का आंसर देंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो इस तरह से वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए यहां 12 अंक है, कुल 12 अंक होंगे। अब है शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, तो इसमें 7 प्रश्न होंगे कुल जिसमें से 6 प्रश्नों का आंसर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक होंगे। तो शॉर्ट आंसर में जो कुल अंक होंगे वो होंगे 18। अब है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो ये है 5 और इन 5 प्रश्नों में से सिर्फ 4 प्रश्न का आपको आंसर देना है, कोई भी 4 और प्रत्येक लॉन्ग आंसर के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो इस तरह से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए 20 अंक निर्धारित हुए। तो आप देखें कि इस तरह से ये कुल हो गए 80 अंक। अब जो 20 अंक बच जा रहे हैं वो विद्यालय के द्वारा दिया जाएगा जिसे आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं या इंटरनल असेसमेंट। इस मॉडल प्रश्न का PDF मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप आसानी से आप उसे खोलकर देख सकते हैं। आशा है कि इस वीडियो से आपको परीक्षा की तैयारी में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।